पूरे साल बर्फ गिरती है और यहां पाए जाते हैं दुनिया के कुछ सबसे ब्रेव क्रीचर्स। बर्फ से ढके इस इलाके में सिर्फ सबसे टफ ही सरवाइव कर सकता है। यूरोप के इस स्नो वर्ल्ड में खुद को इसके हिसाब से अडैप्ट करने या जान गंवा बैठे। साल के चार सबसे ठंडे महीनों में यहां सूरज तक नहीं निकलता। यहां के कोस्टल वाटर्स 9 महीनों तक ऐसे ही जमे रह सकते हैं। एक क्रीचर ऐसा है जिसे अपने अंडरवाटर वर्ल्ड के ऊपर ऐसी बर्फ जमना बहुत पसंद है। रिंग सील्स इस प्लैनेट के सबसे बड़े लैंड प्रेडेटर पोलर बेयर्स का खास शिकार है। 3 मीटर तक ऊंचे और 600 किलो तक भारी पोलर बेयर्स 7 ग्रोन मेन के बराबर होते हैं। पोलर बेयर्स के सूंघने की पावर इतनी तेज होती है कि वो 30 किलोमीटर दूर से भी अपना शिकार सूंघ लेते हैं। इस मेल को पता चल गया है कि उसका शिकार पास ही है। सील्स खिसकती बर्फ की लेयर्स के नीचे बच्चे देती हैं। उन नजर से भले ही बच जाएं, पर पोलर बेयर की सूंघने की ताकत से नहीं बच सकते। इस सील पप की दुनिया किसी भी पल खत्म हो सकती है। से रिलेटेड आर्कटिक फॉक्सेस का वजन लगभग 4 किलो होता है और साइज में ये लगभग पालतू कैट्स जितनी बड़ी होती हैं। ये हाइबरनेट नहीं करती, इसलिए साल भर एक्टिव रहती हैं। माउंटेन हेयर्स की तरह इनका फर भी बदलते मौसम के साथ ब्राउन से व्हाइट हो जाता है। अपनी शानदार हंटिंग स्किल्स के बावजूद सर्दियों में इन्हें शिकार के ज्यादा मौके नहीं मिलते, इसलिए ये गर्मियों में छुपा कर रखे गए खाने से गुजारा करती हैं। आर्कटिक फॉक्सेस खाना इकट्ठा करने में माहिर होती हैं और मुश्किल वक्त के लिए ये बहुत सी सीक्रेट प्लेसेस पर बर्ड्स, एग्स और रोडेंट्स स्टोर कर लेती हैं। ज्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स स्वालबार्ड छोड़कर चली जाती हैं। ऐसे में फॉक्सेस को मरे हुए या मार गिराए एनिमल्स की डेड बॉडी से ही पेट भरना पड़ता है। बूढ़े रेंडियर से इन्हें प्रोटीन रिच मीट और हाई कैलोरीफिक फैट्स भी मिल जाते हैं, पर इतनी बड़ी डेड बॉडीज बहुत कम और दूर दूर मिलती हैं, इसलिए दूसरे भी उसकी तलाश में रहते हैं। 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ने वाली आर्कटिक फॉक्सेस अपने कंपेटिटर्स को 1 किलोमीटर दूर तक भगा आती हैं। चैलेंजर ने कंपेटिटर का पेट भर जाने तक दूर बैठकर इंतजार करने का फैसला किया। यूरोप के बर्फीले इलाके नेचर का बहुत बड़ा इम्तिहान लेते हैं। कई जानवर खुद को आर्कटिक के हिसाब से अडैप्ट कर चुके हैं। गर्मी का मौसम यहां बहुत थोड़े वक्त के लिए ही आता है और जल्द ही यूरोप के सफेद और जमे हुए लैंड पर फिर से बर्फ का राज होगा।